और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश की सागर की। सागर सानौधा थाना क्षेत्र के भैंसवाही गांव में बीती रात घर के दलान में ही सो रहे युवक की हत्या कर दी गई। परिजनों ने सुबह घाट पर उसका शव देखा तो थाने में सूचना देने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वहीं मामला गंभीर होने पर FSL और साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम भी सूचना के बाद मौके पर पहुंची थी। बताया जा रहा है कि रहली SDOP अनुराग पांडे और साथ ही सानौधा थाना प्रभारी दिव्य प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि यहाँ पर भैंसवाही गांव से गुरुवार की सुबह युवक की मौत की सूचना आई है। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर जो है जांच पड़ताल शुरू कर दी, जहां पर भैंसवाही गांव में घर की दहलान पर ही सो रहे राजेश कुर्मी का शव खाट पर मिला था। उसके सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं। परिजनों ने बताया कि यहाँ पर रात में खाना खाकर वो घर के दहलान में हर रोज की तरह सोने चला गया था। रात में किसी ने यहाँ पर उसके सिर पर किसी कठोर नुकीली चीज से वार किया, जिसके चलते उसे गंभीर चोट आई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। क्या मामला है सर? ये आज प्रातः डायल 100 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम भैंसवाही थाना क्षेत्र के ग्राम भैंसवाही में एक व्यक्ति जो अपने घर के बाहर दहलान में सो रहा था, उसकी अज्ञात व्यक्तियों ने किसी हथियार से हमला करके उसको हमला किया, जिस कारण से उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो कॉलर था उसे संपर्क किया गया, वो थाने पर उपस्थित हुआ और मृतक राजेश कुर्मी पिता छोटेलाल कुर्मी इसके भाई गुड्डू कुर्मी के द्वारा थाना पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराई गई, जिससे प्रकरण अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 449-302 भारतीय दंड संहिता के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस के द्वारा इसमें FSL टीम को बुलाया गया और स्निफर डॉग मौके पर आया और मैं स्वयं और वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर आए और शव पंचनामा कार्रवाई करके पुलिस ने शव को PM के लिए भेज दिया। तो किसी पे शक है क्या सर? अभी परिजनों से जो पूछताछ की जाना है बारीकी से वो अभी शेष है, क्योंकि अभी मृतक का शव पंचनामा कार्रवाई करके उसको PM के लिए भेजा गया है। PM कार्रवाई अंत्येष्टि के बाद इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी।